हेलो एवरीवन। चलो तो लास्ट क्लास में गॉस लॉ लगभग हम लोग कवर कर लिए, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी लगभग हम लोग सारे के लिए कवर कर लिए। अब जो पार्ट है हमारा, लास्ट क्लास में तुमको हम स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम डेरिवेशन किए थे, सब के लिए हॉलो सॉलिड सब सिखा दिए बढ़िया से, है ना। उसी का एक पार्ट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम सारे के लिए निकाल दिए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी से निकाल सकते हैं। देखो तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, हमारा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, सॉलिड के, सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो चलो अब इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर किसी पोजीशन पे पता है तो उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। कैसे सीख चुके हैं, हमें पता है कि Vi माइनस Vf याद होगा तुमको, ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट क्या होता है, dr होता है, E डॉट क्या होता है, dr होता है, Vmf भी इलेक्ट्रिक है, है ना। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहला हमारा जो पार्ट इसमें था ये कौन सा था हमारा, सॉलिड क्या क्या था बोलो, सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहे थे, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो एक ही बात है, सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें और किसकी बात करें, हॉलो कंडक्टिंग की बात करें और किसकी बात करें, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें, ये सब सेम एक ही है, ठीक है, है ना। इसकी बात करते हैं, कंडक्टिंग होगा तो चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। अगर तुमको याद होगा कल का डेरिवेशन तो उसमें तुमको याद होगा कि अंदर में कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इन के बाद हम कहे थे आई इन जो निकाले थे इसका बाद कितना आया था, जीरो आया था। तो पहला यहाँ पे यूज करते हैं पोटेंशियल, हमको निकालना है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है तो पोटेंशियल इनसाइड पे क्या होगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, वी आई माइनस वी एफ कोई पोजिशन, ठीक है, है ना। कितना हमारे पास आया, वी आई माइनस वी एफ इक्वल कितना आया, ई डॉट डी आर, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि वी आई कितना होगा, इक्वल क्या होगा, वी एफ होगा। वी आई वी एफ का मतलब क्या है, दो पोजीशन लेते हैं, सपोज ये पोजीशन हम लेते हैं ओ, सेंटर की बात करते हैं, ये इसकी बात क्या कर रहे हैं, सरफेस की बात करते हैं, तो ये सरफेस की बात कर रहे हैं और ये सेंटर की बात करते हैं, या यहाँ पे लो सी, है ना। तो इनिशियल हमारे पास क्या, सी, और फाइनल हमारे पास क्या, सरफेस, मतलब जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे होगा, सॉरी, जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पे होगा वही क्या होगा, सेंटर पे होगा, या अगर कोई पोजीशन लेंगे अंदर में तो हम क्या बोलेंगे, सेम होगा। और इसको दूसरा तरह समझो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर तुमको हम ये भी बताए थे ना कि ई क्वेश्चन क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है, है ना। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर का मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो माइनस डी वी बाई डी आर, इसका मतलब डी वी बाई डी आर क्या है हमारे पास है, जीरो है, इसका मतलब डी वी क्या है हमारे पास, जीरो है, इसका मतलब V क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। इसका मीनिंग तुम समझो बढ़िया से, क्या बताना चाह रहे हैं कि ये चेंज इन पोटेंशियल कितना है, जीरो है, पोटेंशियल चेंज जीरो है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, मतलब कि अंदर की बात करें कोई भी पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ध्यान सुनते जाना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी क्या है हमारा, क्या है, जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल इसका क्या है, कॉन्स्टेंट है।
मतलब कि तुमको क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे कोई डी है ना, और यहाँ पे कोई, यहाँ तो ये तीन पॉइंट मान लेते हैं अभी के लिए। तो तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ सी ए डी। इसके अंदर में पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू बोल सकते हैं पोटेंशियल एट ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट क्या हो सकता है, डी हो सकता है ना। ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल होगा किसके बराबर में होगा, जो पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे होगा, वो भी हम निकाल कर दिखाते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल कितना आता है उसमें। तो ये किसके बराबर में होगा, हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो सकता है, वी एस भी हो सकता है ना, पोटेंशियल एट सरफेस। तो एकदम दिमाग में बढ़िया सा रट लो, क्या बोल रहे हैं तुमको कि हॉलो कंडक्टिंग का ये तीनों केस होगा, चाहे कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे, अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कैसे आता है दिखाते हैं, देखो यहाँ पोटेंशियल सरफेस पे कांस्टेंट कैसे आता है उसको पहले देख लो। पहले चलो इसको लिख लिया होगा है ना, आगे दिखाते हैं तुमको। सरफेस की बात करते हैं तो ये इक्वेशन जो हम लिखे यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे थे कि डीवी इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिखे थे है ना। मतलब क्या हुआ कि किसी पोजीशन पे हमको ये निकालना है, भी निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और हमको क्या चाहिए, डी आर। तो मतलब जैसे यहाँ कंडक्टिंग के लिए बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हम प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे हम कह रहे हैं तुमको सरफेस पे निकालना है, सरफेस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना है आर है ना, ये डिस्टेंस कितना है आर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तुम सिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास सरफेस पे, कितना होता है के क्यू बाई क्या होता है आर होता है, ठीक है ना। तो जनरल अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, बाहर सपोज करो सरफेस के बाहर की बात करते हैं, इन केस हम क्या बात कर रहे हैं, सरफेस आउटसाइड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड सरफेस का कितना होगा हमारे पास, क्या होगा के क्यू बाई स्मॉल आर होगा है ना। तो यहाँ पे हमने पुट किया क्या, के क्यू बाई स्मॉल आर इंटू क्या, यहाँ पे जो डी आर वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। कैसे देखो, तो अगर ये प्लस प्लस है पूरा का पूरा, ठीक है, अगर ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे डी आर इस डायरेक्शन में है ना, रेडियस ये बाहर की तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है यहाँ पे, बाहर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो अगर कोई हम डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ से, कितना डिस्टेंस ले रहे हैं देखो, तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस ले रहे हैं क्या आर, और इस पोजीशन पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या होगा हमारे पास, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, कहाँ होगा ये, बाहर की तरफ होगा। और डी आर वेक्टर भी क्या होगा यहाँ पे, बाहर की तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का थीटा फिर से वही वाला कहानी जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ले ई डी आर वेक्टर डी आर यहाँ पे। अब हमको इसको इंडिकेट करना है। देखो यहाँ पे अगर तुमको इंडिकेट करना है तो तुम क्या बोलोगे, सरफेस की बात कर रहे हैं अगर हम पोटेंशियल, तो माइनस इंडिकेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से लेके कहाँ तक, आर तक है ना, कहाँ से करेंगे, जीरो से लेके आर तक। तो इसको करो तो देखो, तो माइनस बाहर है, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर है, अंदर क्या बचा है हमारे पास, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास डी आर बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो इसका, ठीक है ना। तो क्या आएगा मेरे पास देखो, तो के क्यू लिमिट नहीं डालना है, ऐसे ही पुट करना है, देख लो यहाँ पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसका बाद में करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस वन बाई आर होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइनस वन बाई आर होगा, पावर ऊपर जाएगा माइनस टू, ऐसा करके करेंगे तो ये माइनस माइनस कट गया, कितना हमारे पास आया के क्यू वाई, कितना आया हमारे पास आर आया है ना। तो जब कहाँ पे आया, वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया हमारे पास, आउटसाइड पे कितना आया, हमारे पास के क्यू वाई आर आया।
अगर सरफेस की बात करेंगे सरफेस पे कितना आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो सरफेस पे कितना आया पोटेंशियल हमारे पास, के क्यू बाई कैपिटल आर आया, ठीक है ना। कितना पोटेंशियल आया, के क्यू बाई कैपिटल आर आया। मतलब क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनो कि हॉलो कंडक्टिंग के लिए अंदर में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही होता है। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। मतलब कि तुमको अगर हम एक हॉलो कंडक्टर दे और यहाँ पे एक पॉइंट बना दे, इसका रेडियस बना दे तुमको हम आर, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है। अगर ये आर रेडियस बना दे, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल आर है। तुमसे पूछा गया कि पोटेंशियल एट ए कितना होगा, तो अंदर में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर। कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको कि एकदम आँख बंद करके अंदर में हमें पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो सीधा देखेंगे कि सरफेस पे कितना है, सरफेस पे कितना होगा, जिस पे इतना जितना उस पे चार्ज होगा, है ना। इसमें जितना चार्ज होगा, मान लो चार्ज कितना हुआ, प्लस क्यू हुआ, और जितना इसका डिस्टेंस होगा वो, ठीक है ना। तो बाहर की बात कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, देखो तो क्या क्या है मेरे पास आया। तीन पॉइंट हम बढ़िया से इंक्लूड कर दें। तीन पॉइंट हम लिखते हैं, अंदर में, सरफेस पे, बाहर पे। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे ना, सेम तरह से। पहला हमारे पास आया वी इन की बात की, तो वी इन किस पर आया है, जो सरफेस पे होगा, और सरफेस पे कितना है हमारे पास, के क्यू बाई आर आया, ठीक है। एक पॉइंट दो पॉइंट दोनों इसमें आ गया। आउटसाइड की बात करते हैं, तो हमारे पास कितना पोटेंशियल आया था, के क्यू बाई स्मॉल आर आया था, ठीक है। ये दो फॉर्मूला तुमको बढ़िया से याद रखना है, किसके लिए है, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, एक ही बात है ना। मतलब कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे चार्ज दिए प्लस, यहाँ बाहर में एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट डिस्टेंस तुम्हारे पास है 2r, ठीक है। कितना है ये 2r, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2r। इस पॉइंट पे बोला गया हमको ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे बोला गया हमें पोटेंशियल निकालने दे। कितना लिखेंगे हम लोग, वी एट पी हमको लिखना है, पी पॉइंट पर लिखना है। देखो कैसे लिख रहे हैं, के चार्ज कितना, चार्ज कितना क्यू, और डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक 2r, तो ये हमारे पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट। अगर हमें ये पी पॉइंट यहाँ होता है ना, ये सिखा दिए, अगर हमको पी पॉइंट यहाँ पे होता, ये मान लो ये पॉइंट है तुम्हारे पास पी वन है, तो अगर पी वन के लिए हमको बोलना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, के क्यू, क्योंकि अंदर पॉइंट है तो कितना होगा, जहाँ सरफेस पे होगा, मान लो इसका रेडियस कितना है तुम्हारा आर है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, के क्यू बाई आर, समझ आ रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा दिए कि हॉलो कंडक्टर के अंदर में जो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है ना। अब एक और पॉइंट सुनो ध्यान से, बढ़िया से, यहाँ पे बढ़िया सुनो कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या आया, कांस्टेंट आया। सरफेस पे क्या आया पोटेंशियल, कांस्टेंट आया। मतलब कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसके सरफेस पे हर एक जगह पोटेंशियल, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई आर, यहाँ कितना है के क्यू बाई आर, सब जगह पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई आर। और तुमको पता है कि अगर कोई सरफेस है और वहाँ पे पोटेंशियल सब जगह सेम है, ध्यान सुनना जो बात बोल रहे हैं, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तुमको, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं, तुमको जितना लाइन बोल रहे हैं तुम लोग पॉइंट बाई पॉइंट तुम लिख भी सकता है। पहला तुमको लिख पॉइंट तुम लिख सकता है कि अंदर में क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है कांस्टेंट रहता है ना। कितना होता है जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाई आर होता है, कैपिटल आर, ठीक है। ये तुमको समझ में आ गया बात। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल के क्यू बाई आर है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सबका सब क्या है आर है ना। ये बात तुमको क्लियरली दिख रही है, सब डिस्टेंस कितना है आर है। तो जिस पे ये सरफेस हमारे पास है और यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम है, इसका मतलब कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, हॉलो कंडक्टर,
हॉलो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर और हॉलो नॉन कंडक्टर, ये तीनों कोई भी पॉइंट बोलेंगे तो उसका सरफेस कैसा काम करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा काम करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हम बोल से लाइन लिख सकते हैं पॉइंट कि हॉलो कंडक्टर की बात करें, है ना, हॉलो कंडक्टर की बात करें, हॉलो कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कैसे बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हम सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये हम सीख चुके हैं। तो उल्टा हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल का लाइन अगर ये है, इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा दोनों बात, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। कौन सा, ये सब हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया ये। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना एंगल है, 90 डिग्री क्या है, तो यहाँ भी वैसे ही बनेगा ये वाला। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल क्या है, सरफेस है, इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है, है ना, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो एक और पॉइंट यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सॉरी हॉलो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, कैसे ओरिएंट करता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसे ओरिएंट करता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है ना, ये पॉइंट लोग खुद से लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम हॉलो कंडक्टर परपेंडिकुलरली, ऐसे पॉइंट लिख लेना। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आ गई, किसके लिए था, ये हॉलो के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, जो दूसरा कैसे हम लोग पढ़े थे, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी देखो तो है ना, देखो आप किसी बात कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, फिर उसी तरह से निकालेंगे, अंदर में सरफेस पे बाहर पे, है ना, अंदर में सरफेस पे बाहर पे। देखो बाहर की तो बात ही नहीं है, चाहे हॉलो था सॉलिड था, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखा दे रहे हैं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बोले थे कि जब बाहर की बात करेंगे या सरफेस की बात कर रहे हैं, दोनों को एक तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट लगा सकता है या तुम पोटेंशियल लगा सकता है। तुम क्या सिखाए थे हम कि जब ऐसा हो तो क्या करो, पूरे चार्ज को कहाँ कंसिडर करेगा, सेंटर पे। पूरे चार्ज को अगर सॉलिड भी है, अगर ये सॉलिड है चाहे हॉलो भी है, तो हम चार्ज को कितना कहाँ कंसिडर करेंगे, सरफेस सॉरी सेंटर पे पूरा कर दिए। ये चार्ज मान लो प्लस क्यू था, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, प्लस क्यू,
ठीक है, और प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस पे, अगर ये बाहर निकालना होता तो हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा, अगर हमको पी पॉइंट पे बोला जाएगा पोटेंशियल तो क्या बोलेंगे, बी कितना लिखेंगे, के क्यू बाई स्मॉल आर लिखेंगे, और इसी को बोला जाता है सरफेस से बोला जाता है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास एस है तो तुमको बी एस लिखना होता तो तुम क्या लिखता, तुम के क्यू बाई कैपिटल आर लिखता, अगर ये कैपिटल आर है तो, है ना। तो ये दोनों समझ में आ गया हमको, चाहे ये हॉलो की बात हो या सॉलिड की बात हो, सॉरी किसी बात कर रहे हैं, हॉलो की बात कर रहे हैं, तो हॉलो की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि आउटसाइड की कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना हो गया हमारे पास के क्यू बाई, पहले हॉलो के लिए कर लो, हॉलो की बात किए हैं हम यहाँ पे तो पहले हॉलो की बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं, हॉलो की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हॉलो में क्या बोले, पूरे चार्ज को कहाँ कर दो, सेंटर पे करो, सेंटर पे कर दिए, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, तो कितना लिखे के क्यू बाई आर, सरफेस की बात करें कितना लिख देंगे यहाँ पे, के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना, ये हमारे लिए आसान था। अब यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं तो देखो सॉलिड के लिए अगर हम आउटसाइड की पॉइंट की बात करते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आर हो गया, ये बाहर की कोई पॉइंट है हमारे पास, है ना, तो उसके लिए भी अभी भी यही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, अभी भी क्या होगा, किसको हम कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, पहुँचा को कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, तो आउटसाइड जो पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट पी है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पूरा बॉडी में क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, है ना, तो अभी तुम पहले और बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या था हमारे पास, अंदर में कितना था, तुम याद होगा तो फॉर्मूला आया था के क्यू आर बाई क्या आया था, आर क्यूब आया था, है ना, सरफेस पे कितना आया था हमारे पास, इसी से काम हो जाएगा, ये हमारा जनरल पॉइंट है, ठीक है, है ना, ये क्या है हमारा जनरल पॉइंट है, आउटसाइड कितना आया था, आउटसाइड तुम कितना आया था, के क्यू बाई क्या आया था, आर स्क्वायर आया था, है ना, कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था, तो आउटसाइड की बातें नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट है हम सीख गया कि पोटेंशियल भी अगर हम बोला जाएगा हमको आउटसाइड के लिए, सॉरी आउटसाइड के लिए, तो हम क्या मानेंगे, इसको चार्ज कहाँ मान लेंगे, इसके सेंटर पे, तो चार्ज कितना आ गया हमारे सेंटर पे, कितना प्लस क्यू आ गया, है ना, अगर ये प्लस क्यू है तो, और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया स्मॉल आर, तो आउटसाइड कितना होगा पोटेंशियल हमारे पास, के क्यू बाई आर, ये बात तुम रट लो, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, है ना, पोटेंशियल में दोनों के लिए वैलिड है, कौन सा, के क्यू बाई आर, किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब इसमें बात करते हैं किसके लिए, अंदर और सरफेस के लिए, क्योंकि अंदर में इसकी बात अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू आर बाई आर क्यूब है, है ना, के क्यू बाई आर, के क्यू आर बाई क्या है, आर क्यूब है, ठीक है, है ना, सरफेस वेव हम लोग निकाल चुके हैं, सरफेस वेव हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, के क्यू बाई आर है, कैपिटल है, तो उससे पहले देखो यहाँ पे सरफेस आउटसाइड कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर है, सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर है। अब हम लोग जनरल निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला निकालना है, देखना यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, तुमको हम क्या सिखाएं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है तुमको, चलो इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो क्या कॉन्सेप्ट देखो, तो यहाँ पे कि हमें ये सेंटर हमारा है, मान लो तो ये वो पॉइंट है, और हमें सपोज करो कि ये वाला सरफेस लेते हैं, ठीक है, और इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने क्या लिखा, डीवी कितना लिखा, डीवी कितना लिखा हमने, माइनस इंटीग्रेशन में क्या लिखा, ई डॉट डी आर लिखा, ठीक है, है ना, है ना, इसको हम कहाँ से कहाँ तक देख, ध्यान देखना क्या कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पे, डी वी यहाँ लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ ई डी आर कॉस थीटा होगा, थीटा जीरो होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारे पास, ई डी आर आ जाएगा इंटीग्रेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे पास है, के क्यू आर स्मॉल आर बाई में क्या होगा, कैपिटल आर क्यू, देखते जाना फटाफट, अब
डी वी, इनके से कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है और ए सेंटर, ठीक है, तो बोल रहे हैं वी ओ बोल रहे हैं, वी ओ का मतलब वी ऑन सेंटर, और दूसरा पॉइंट क्या है, वी एट सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये कितना आया हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन कितना आया ई, ई कितना है हमारे पास है के क्यू आर वाई कितना है आर क्यूब है इंटू क्या हो गया डी आर, इसका लिमिट पुट करो तो कैसे लिमिट पुट करेगा देखना ध्यान से, लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, ये सेंटर पे कितना होगा जीरो, सरफेस पे कितना होगा कैपिटल आर, ठीक है। काम करते हैं पहले हम लोग ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं बाद में लिमिट पुट कर लेंगे, पहले इंटीग्रेट करके पहले करो तब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। देखो तो इधर इस साइड देखो उधर छोड़ो इधर देखो, माइनस के क्यूब और आर क्यूब बाहर निकल जाएगा, माइनस है के क्यूब है और क्या है आर क्यूब है तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचा आर डी आर, आर डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, आर डी आर का इंटीग्रेशन, ये पुट करेगा तो कितना आएगा देखो तो, ये पुट करेगा तो कितना आएगा के क्यू बाई कितना आर क्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और इधर पोटेंशियल कितना आएगा भी आएगा, कितना आएगा ये भी आएगा। अब इसमें हम लिमिट को सिखाते हैं कैसे पुट करना, कौन सा पॉइंट के निकालना है, सपोज कि हम अभी क्या है एप्टीट्यूड किसके लिए यूज किए हैं हम लोग अंदर के लिए यूज किए हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया एक अंदर में कोई पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना होगा ये आर होगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का ये पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कहां से कहां तक हम वेरी कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके कहां तक यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक ओरिजिन से डिस्टेंस बोला जाएगा तो यहां डिस्टेंस कितना है आर है स्मॉल आर है, और यहां डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर है, तो ये पॉइंट को जनरल पॉइंट हो गया यहां पे, है ना, ये पी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं अगर अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये लोअर पॉइंट क्या हमारे पास है ये बी पी है, ठीक है, और अपर पॉइंट हमारे पास क्या है, अपर पॉइंट क्या हमारे पास है वी एस है, तो जब वी पी हुआ था तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास आर था, और जब हमारे पास सरफेस हुआ था डिस्टेंस कितना हुआ था ये कैपिटल आर, ठीक है ना, अब पुट करो कितना करेगा यहाँ पे क्या लिखेगा वी एस माइनस वी पी लिखेगा इज इक्वल टू क्या माइनस के क्यू बाई में कितना आर क्यू, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, ये टू का बाहर ले लो और ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या जाएगा आर स्क्वायर होगा ना, है ना, एक बार कर लेते हैं फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पे तो अगर हम माइनस साइन को इधर लेके आ जाते क्या ले सकते हैं वी पी माइनस क्या हो सकता है वी एस इक्वल टू क्या हो सकता है के क्यू बाई टू आर क्यू, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया क्या किसी अंदर में, मतलब अंदर में किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इसको वी पी कितना लिख सकते हैं वी एस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई में कितना हो जाएगा टू आर क्यू, है ना, टू आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आया हमारे किस पे किसी अंदर में कोई पॉइंट होगा उसके लिए, सरफेस पे पोटेंशियल को पता है कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर, आगे करते हैं पर सीख लो फिर से क्या बोल रहे हैं। देखो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था किसी अंदर वाले पॉइंट पे, तो अंदर वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कितना होता है के क्यू आर बाई आर क्यू होता है, सिंपल सा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो उसे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमने क्या किया इसका फॉर्मूला का यूज़ किया, फॉर्मूला जब यूज़ किया तो हमने यहाँ पर डी वी लिखा, ठीक है, अगर हम ये डी वी लिखते हैं, ठीक है, अगर तुमको लिमिट अब तुमको बता दें लिमिट पुट करने के लिए कि अगर पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पी पॉइंट पे अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया वी पी हो गया, और अपर पॉइंट यहाँ पे हम किस बात कर रहे हैं सरफेस की, तो ये हमारा क्या हो गया वी एस हो गया। तो जब वी पी है तो डिस्टेंस कितना हमारा स्मॉल आर है, जब वी एस है तो डिस्टेंस कितना है हमारा है कैपिटल आर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पुट कर लिए, हमें कॉस थीटा समझ में आ गया होगा थीटा कैसे जीरो हुआ सो, अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो कॉन्स्टेंट था वो हम बाहर निकाल लिए,
कि ए क्यू आर कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिए, बचा क्या आर डी आर इंडिकेट किया था, आर एस बाई टू आया, लिमिट पुट किए है ना, लोअर अपर लिमिट पुट किए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है ना। अब यहाँ पे ये जो माइनस था इधर लेके आ गए, तो डिफरेंस इतना लिख लिए, बी पी कितना लिख लिया, बी एस प्लस इतना लिख दिए, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, किसी अंदर में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा। इसमें एक और काम करो, तुम बी एस का भले तुमको पता है, बी एस कितना हमारे पास है, बी एस हमारा है के क्यू बाई हाँ कितना हमारे पास है के क्यू बाई कितना है के क्यू बाई कैपिटल आर, सही है ना। ये कितना हमारे पास है के क्यू बाई कैपिटल आर। अब यहां देखो तो बी एस बी पी कितना आ गया हमारे पास के क्यू बाई क्या कैपिटल आर, और प्लस कितना हो गया के क्यू बाई टू आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो तुम अरेंज कर सकते हो बढ़िया से। देखो फॉर्मूला कैसे अरेंज कर सकता है, फॉर्मूला कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे के क्यू बाई आर है, यहाँ प्लस है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बाहर निकलेगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना टू आर क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना बचेगा कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आर कट गया हमारे पास, तो कितना हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर, प्लस कितना हो गया के क्यू बाई टू आर हुआ, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आया हमारे पास वन माइनस आर बाई, ये फॉर्मूला हमारे पास आया किस पॉइंट पे बी पी। अब एक बात देखो, अगर तुमको सेंटर पे निकालना है, इलेक्ट्रिक कहाँ निकालना है तुमको सेंटर पे, तो जब सेंटर पे आर कितना हो जाएगा जीरो है ना, सेंटर पे आर डिस्टेंस हम कितना हो जाएगा हमारा जीरो एट सेंटर की बात करें, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सॉरी एट सेंटर पे आर कितना हो गया जीरो, तो बी एट मतलब ए ओ की बात करते हैं, ओ पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो के क्यू बाई आर होगा, और प्लस कितना होगा हमारे पास, प्लस कितना होगा के क्यू बाई टू आर इंटू में क्या, यहाँ जीरो पुट करके क्या होगा वन माइनस जीरो, ठीक है। तो क्या बचा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई टू आर, मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे थ्री के क्यू बाई क्या हो जाएगा टू आर। ये हमारे पास पोटेंशियल कहाँ आया सेंटर पे, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना आता है थ्री के क्यू बाई टू आर, ठीक है ना। अंदर में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है, अंदर में किसी पॉइंट पे कितना आता है के क्यू बाई आर, और प्लस कितना है इसको अरेंज किया है इसको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और बाहर में दूंगा तो बताइए कि बाहर में कितना होगा सो। तो अब देखो दोनों ग्राफ हमारे सॉरी दोनों का दोनों इक्वेशन समझ में आ गया हमको, कि हॉलो के लिए अंदर में पोटेंशियल क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, कितना होता है जो सरफेस पर होता है वही होता है, कितना सरफेस होता है के क्यू बाई आर। सॉलिड के केस में भी सरफेस में कितना होता है, सरफेस में कितना होता है के क्यू बाई आर ही होता है, ठीक है। हॉलो में भी आउटसाइड कितना होता है के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, हॉलो में सॉलिड में कितना होता है के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। फर्क कहाँ पे आता है, अंदर में सॉलिड जब रहेगा तो अंदर में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास आया, ये फॉर्मूला आया किसी अंदर के पॉइंट के लिए, ठीक है। और सेंटर की बात करें, वहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना थ्री के क्यू बाई टू आर, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे थ्री के क्यू बाई टू आर, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हमें दोनों का ग्राफ बनाना है, हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाया था तुमको कल याद होगा कि हॉलो का जो ग्राफ बनाया था तुम कैसे बनाया था, हॉलो में यहाँ तक जीरो आया था और फिर यहाँ से आके क्या हुआ था ये घटा था, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास बना
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या था हमारा आर्कग्राफ था, और दूसरा ग्राफ क्या था हमारे पास, दूसरा ग्राफ क्या था हमारे पास सॉलिड का। तो देखो ग्राफ से भी निकाल सकता है, अगर तुमको बोले अंदर में इलेक्ट्रॉन जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारे पास के क्यू बाई, कितना आया हमारे पास आर आर स्क्वायर आया, ठीक है, और ये कितना होगा हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुमको बनाना है, हॉलो की बात करते हैं हम, दोनों से निकाल लेते हैं हम, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन की बात करें तो तुमको पता है कि अंदर में पोटेंशियल कितना आया था, सेंटर में पोटेंशियल कितना आया था वहाँ पे के क्यू बाई आएगा कैपिटल आर आएगा, जो सरफेस पर वही होगा, सरफेस पर कितना आएगा तो ये मान लो सरफेस कैपिटल आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से पोटेंशियल कितना रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा कहीं पर, है ना, ये हुआ हमारे पास ये पॉइंट, कितना पोजिशन होगा, वैल्यू कितना होगा इसका के क्यू बाई कैपिटल आर, जो सेंटर पे होगा जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, बीच में कहीं पे क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया था बाहर में आउटसाइड कितना आया, पोटेंशियल कितना है मेरे पास आया के क्यू बाई क्या आया स्मॉल आर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के बाद से क्या होगा ग्राफ सीधा घटना शुरू करेगा, ऐसे घटेगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं आर का, और यहाँ क्या है पोटेंशियल क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये बनेगा किसके लिए, हॉलो के लिए। तुम चाहता तो इससे बना सकता था, देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्या पोटेंशियल क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, है ना, तो इससे भी हम कर लेंगे। तो हमारा यह क्या है, ये किसके लिए था हमारा हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और क्या है सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये पोटेंशियल ग्राफ है, ठीक है। सॉलिड के लिए बनाते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिव बनाते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए बनाते हैं। देखना ये थोड़ा सा ट्विस्टेड ग्राफ है, देखो यहां पे सॉलिड के बनाते क्या कैसे बनाते सॉलिड के लिए, यहां लीनियर गया था और फिर यहां से ऐसे गया था, ठीक है। तो यहां पे आर इक्वल टू आर और यहाँ पे लिक्विड फिल्म देखे थे क्या आता है डाइडिमेंशन आर होता है, ये वैल्यू कितना आया था हमारे पास, ये कितना आया था हमारे पास ये कितना आया था के क्यू बाई कितना कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ पे यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास ये कितना था के क्यू आर बाई कितना था आर क्यूब था, ठीक है। यहाँ कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तुमको बढ़िया से याद होना चाहिए एक पॉइंट। तो अब इसके लिए करते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं, देखना ध्यान से वी वर्सेस आर का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो वी वर्सेस आर के ग्राफ में, वी वर्सेस आर के ग्राफ में अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट क्या क्या है तुम्हारे पास, सेंटर पे कितना आया, वो पॉइंट पे कितना आया तुमको 3KQ बाई कितना आया 2R आया, सरफेस पे कितना आया तुमको KQ बाई क्या आया R आया, आउटसाइड कितना आया तुमको, आउटसाइड कितना आया तुमको KQ बाई स्मॉल R आया, और अंदर में किसी पॉइंट P पे कितना आया, अंदर में किसी पॉइंट P पे कितना आया KQ बाई R प्लस क्या आया KQ बाई 2R ब्रैकेट में कितना आया 1 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुमको आया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ध्यान से ग्राफ कैसे ड्रो कर रहे हैं। एक बात पक्का है कि सेंटर मतलब ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना है 3KQ/2R, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे हुआ कितना होगा 3KQ/2R, ठीक है 3KQ/2R। अब सरफेस कहाँ पे होगा, यहाँ मान लो सरफेस होगा आर इक्वल टू आर पे, तो यहाँ पे कितना है के क्यू बाई आर है, इससे कम है मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे ऐसा, ये कितना हमारे पास आया के क्यू बाई कितना आया आर आया, मतलब यहाँ से यहाँ ग्राफ चलेगा तो क्या होगा घटेगा, क्या होगा ये घटेगा, कैसे घटेगा उसका इक्वेशन यही है कैसे घटेगा, तो देखो ये घटा यहाँ से चलना शुरू किया ये क्या हुआ ऐसे घटा है ना। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है, ठीक है।
यहाँ कितना था 3/2 मतलब 1.5 था, यहाँ कितना था 1 था, तो ये वाला कम वैल्यू है तो यहाँ पे आया है, ये ज़्यादा आया था क्या है यहाँ पे। अब ये घटते घटते यहाँ पे आ गया। अब फर्दर भी क्या हो रहा है, जैसे आर बढ़ रहा है तो भी क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो आर बढ़ रहा है तो भी क्या हो रहा है, क्या कर दो तो वो लिख लिया ना, इसको सेंटर ले लो, सी ले लो, ठीक है इसको सी ले लो, तो ये सी हो गया सेंटर पे हो गया हमारे पास। ओ आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, अभी भी क्या होगा घटेगा, और इसे अगर आपको पता है कैसे घटता है तो ये क्या घटेगा, ये ऐसे घटेगा, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन कितना हमारे पास है ये वाला, और इसके लिए क्वेश्चन हमें पता है कि क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, समझ में आया कैसे ड्रॉ किए, यहाँ पे 3/2 ये था हमारे पास, यहाँ कितना था के क्यू बाई आर था, ये ज़्यादा है ये कम है, ऐसे ड्रॉ कर लिए, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है ये घट रहा है ना, तो पढ़ने यहाँ से ऐसे क्या घटेगा, कैसे घटे, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और ये सेंटर पे आ गया, सॉरी सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आने के बाद क्या हुआ ये फिर से इस इक्वेशन से क्या किया, ये घटना शुरू किया था, ये क्या हुआ ऐसे ऐसे घट गया, ये तो हम सीख चुके हैं है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, ठीक है चलो नोट करो, नोट करो तो इसको, ये किसके लिए है, ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो ये चारों ग्राफ का दिमाग मतलब बढ़िया से एकदम सेट होना चाहिए, क्योंकि खूब क्वेश्चन पूछता है इस पर, ठीक है इस पर क्वेश्चन बहुत आएगा। अब जैसे ये वाला देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुमको बोल सकता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, सपोज करो तुमको बोला कि आर इक्वल्स टू आर बाई टू पे, मतलब सेंटर से तुमको बोला कि r बाई टू डिस्टेंस, ये r है ना, इससे तुमको बोला कि r बाई टू डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपल सा है ना फॉर्मूला याद होगा तो हम इस पर निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर नहीं बनेगा हमें। ये क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन है ठीक है, पूछा क्या पूछा है कि पॉइंट पोटेंशियल, ये बॉडी है तुम्हारा सॉलिड बॉडी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन यूज करो, इसमें वैल्यू पुट करो, आर स्मॉल आर की जगह पर कितना पुट करेगा आर बाई टू, निकल जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है चलो। मैक्सिमम पार्ट आज कवर हुआ है ना, आज मैक्सिमम पार्ट कवर हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, वो हम लोग आज टाइम लगभग हो चुका है तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कंडक्टर के बारे में लगभग चीज़ पढ़े हैं ठीक है। तो तुमको क्या क्या समझ में आया एक बार रिकॉल करते हैं, जो बात बोल रहे हैं ध्यान सुनना, सबसे पहला बात जो कंडक्टर ने तुमको बोले तो बोले थे क्या कि कंडक्टर के सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होता है ना, कंडक्टिंग बॉडी में सरफेस पे चार्ज होता है, सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं होता है है ना ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज क्या होता है इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और क्या क्या बोले कि हॉलो कंडक्टर की बात करें या चाहे कोई भी कंडक्टर की बात करें तो क्या बोले कि कंडक्टर बिहेव सच, क्या बोलते हैं हॉलो बोलो सॉलिड बोलो, कंडक्टर बोल दिया वर्ड बोल दिया मतलब कि चार्ज सरफेस पे होगा, चार्ज सरफेस पे होगा तो मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कितना होगा कांस्टेंट होगा, अगर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल अंदर में होगा वही पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे होगा, अगर जो पोटेंशियल अंदर में पोटेंशियल सरफेस पे होगा मतलब हर एक पॉइंट सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब कि सरफेस बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है, और अगर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बिहेव कर रहा है इसका मतलब कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा,
इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ओरिजिनेट करता है, परपेंडिकुलरली मतलब नॉर्मली ओरिजिनेट करता है और नॉर्मली ही क्या करता है, टर्मिनेट करता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नॉर्मली ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नॉर्मली ही क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ये दो मिनट की कहानी जो हम लंबा सा लेक्चर दिए हैं, अगर तुमको समझ में आया होगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुमको बोल दिए हम, एक मतलब चार लाइन में पाँच लाइन में कम से कम 10-15 कॉन्सेप्ट तुमको बोल दिए, एक्चुअली 10-15 क्वेश्चन बढ़िया लेवल का क्वेश्चन तुमको बोल दिए हम तुमको। अगर तुम सुन लिया होगा ध्यान से जो अभी 3-4 लाइन बोले हैं उसको फिर से रिपीट करके होगा तो सुनना अच्छे से, ठीक है। हम लिखे नहीं है, मतलब पढ़ाया तुमको सब कुछ है, उसका समरी तुमको एक बार बोले हैं, ठीक है। तो सारा पॉइंट कोशिश करो, कुछ बात हम नहीं भी लिखते हैं तो कोशिश क्या करो कि उस बात को अपने ओन राइटिंग में लिखने का, ठीक है ना। बोर्ड पे हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता लिखना, तो आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, आप रिपीट करके देख सकते हो। चलो तो अब हमारा गॉस लॉ हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसका जो क्वेश्चन है आपको हम जो बुक का है वो आप लोग बना लोगे, ठीक है। बाकी असाइनमेंट का भी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा पार्ट और कवर करके न्यू चैप्टर पर चलेंगे, लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। हमारा ख़त्म, मेरा ख़त्म हो गया, तुम्हारा कितना ख़त्म हुआ अब तुम जानो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारा, चाहे नीट का हो चाहे आईआईटी मेंस एंड एडवांस का हो, वो हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। वो भी प्रॉब्लम आपको हम बुक अगर नहीं होगा तो आपको अलग से हम कलेक्शन क्वेश्चन का भेज देंगे, आप उसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो थैंक यू।